आज हम बच्चों का सबसे फेवरेट स्नैक बनाएंगे, वो है मैकडोनल्ड वाले फ्रेंच फ्राइज। ये बच्चों के नहीं बल्कि बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। जब भी हम मैकडोनल्ड में जाते हैं तो फ्रेंच फ्राइज तो ऑर्डर करते ही करते हैं, जो काफी महंगे होते हैं। तो फ्रेंड्स कहीं से पार्टी में जाते हैं तो भी स्टार्टर में हम देखते हैं कि भी फ्रेंच फ्राइज कहाँ पे हैं, क्योंकि सभी की फेवरेट है। आप इसे इजीली घर में बना सकते हैं, वो भी एकदम इंस्टेंट। तो इसके लिए जहाँ मैंने 600 ग्राम चिप्सोना ब्रांड के आलू लिए हैं। तो फ्रेंड जब भी आप सब्जी वाली शॉप पे जाते हैं ना, तो 3-4 टाइप के आलू होते हैं, तो चिप्स बनाने के लिए या फिर फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए ना चिप्सोना आलू ही यूज होते हैं। तो अगर आपके घर में रेगुलर फ्रेंच फ्राइज बनते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशली चॉपर आता है, फ्रेंच फ्राइज कटर, तो वो भी आप ला सकते हैं, 300 से 400 में आ जाता है। और अगर कभी कभी बनाते हैं तो अपना देसी स्टाइल से आप काट सकते हैं, जानते कि जैसे मैं काट रही हूँ। तो इसको कट करने टाइम आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी मोटाई जो है ना बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी है, बहुत पतले भी नहीं आपने काटने हैं, तो 1 सेंटीमीटर की मोटाई रखनी है। अगर पतले काटेंगे तो फ्राई करने टाइम एकदम सूखे सूखे से हो जाते हैं, मोटे काटेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ देखिए सारे फ्रेंच फ्राइज कट गए हैं, तो इसे एक बड़े बाउल में आपने डाल लेना है। उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे, और वॉश करने के लिए आपने ना ठंडा पानी लेना है, फ्रिज का ठंडा पानी। इससे क्या कि सारी स्टार्च आपकी निकल जाती है। 3 से 4 बार आपने वॉश कर लेना, उसके बाद इसको एक जाली में डाल देना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और जब पानी पूरा निकल जाए उसके बाद इसे किचन टॉवल के ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है। तो फ्रेंड इसको किचन टॉवल के साथ ही हमने ड्राई कर लेना है, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फ्रेंच फ्राइज टूटने भी नहीं चाहिए, तो ऐसे आपने स्प्रेड करना है, या फिर दूसरे किसी किचन टॉवल के साथ इसको, जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे ही आपने ड्राई कर लेना है। पंखे के नीचे भी 10 से 15 मिनट रख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई होंगे तभी आपके जो फ्रेंच फ्राइज हैं एकदम क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे ड्राई हो चुके हैं, तो इसको डायरेक्ट हमने फ्राई करना है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, मैं तो मोस्टली सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। आप जो भी आपको पसंद हो ना तेल, उसमें आप फ्राई कर सकते हैं। तेल जब बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, एकदम धुआं निकलना चाहिए, तभी आपने जो फ्रेंच फ्राइज इसमें डालना है जितने आए, और हाई फ्लेम पे ही आपने इसे फ्राई करना है। मीडियम बिल्कुल नहीं करना, लो गैस नहीं करना है, क्योंकि आप सब्जी नहीं बना रहे, इसे फ्राई कर रहे, इसलिए फ्लेम जो है हाई रखनी है। और हमने इसको 2 बार फ्राई करना है, इसलिए जब 80% जो फ्राई हो जाए ना, तो इसको निकाल लेना है। आपने ऐसे एक जाली ले लेनी है, उसको जितना भी ऑयल एक्स्ट्रा है वो सारा निकल जाना चाहिए। उसके बाद इसे हमने जिस कंटेनर में डालना है वो आपने स्टील का लेना है या कांच का लेना है। प्लास्टिक का कंटेनर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, हेल्थ का भी हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेकंड बैच मैंने डाल दिया है, और इस चीज़ का बस ध्यान रखना है ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, बस खोलते तेल में इसको डालना है। तो यहाँ देखिए इसको हमने निकाल लिया है, उसके बाद जो है इसको भी सेम कंटेनर में हमने डाल देना है। तो फ्रेंड ऐसे आप फ्राई करके रख सकते हैं, जब आपने खाने हैं इसको फिर रीफ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी खाने थे तो थोड़ा 10 से 15 मिनट इसको ठंडा कर लेते हैं, तो इसको फिर रीफ्राई हम कर लेते हैं, और जितना मुझे चाहिए मैं उतने फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स आपने और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी फ्रेंच फ्राइज बनाने की, वो इसे बॉईल करते हैं, कॉर्न फ्लोर लगाते हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तो भी हमारे फ्रेंच फ्राइज जो है ना बहुत टेस्टी बने थे। जरूर इस रेसिपी को ट्राई करना फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए थोड़े बच गए थे, और मैंने इसको किसी कंटेनर में निकाल लेना और फ्रिज में रख दूंगी, जब भी फ्राई करना होगा इसको, रीफ्राई करना होगा तो हम कर लेंगे। तो ठंडे हो गए हैं तो जिप पाउच में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये पूरे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा कलर आपने नहीं चेंज करना है, एकदम जैसे थोड़ा वाइट वाइट, थोड़ा पिंक पिंक ही रखना है, गोल्डन गोल्डन। ठीक है, तो ये देखिए एकदम बहुत ही बढ़िया हमारे फ्राई हो चुके हैं, इतने क्रिस्पी बने थे ये। और इसमें ज़्यादा कोई मसाले हमने नहीं डाले हैं, इसमें सिर्फ नमक डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, इसीलिए सभी को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिर्च नहीं होती, कुछ भी आपने नहीं डालना है, अपने मन पसंद मसाला इसमें डाल के, या काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये खाने के लिए तैयार है। जहाँ देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इसकी आउटर लेयर भी इसकी बनी हुई है बिना कॉर्नफ्लोर डाले। तो ये इस ऐसे है कि भाई क्योंकि हमने इसको 2 बार फ्राई किया, और फ्राई करने का भी जो मैंने टिप्स दिया है वो आपने फॉलो करना है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं, तो इसे टमाटो सॉस के साथ ही खाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बने थे और बहुत ही क्रिस्पी बने, और देखिए आपको देख के लग ही रहा है कि आप मैकडोनल्ड में ही बैठ के खा रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है ना आपको भी, तो बहुत ही जमी बने थे। जरूर ये रेसिपी ट्राई करना फ्रेंड्स, बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट है, इसे टिफिन में भी दे सकते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो
तो मैं तो उनको टिफिन में देती थी कई बार बना के, मतलब वीकली 2 बार तो बना ही देती थी। तो ऐसे ही आपने जरूर अपने घर में ट्राई करना है, अच्छे लगे तो लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। चलिए यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।